हे गाइस गाइज अप इट्स मी जद अवे फ्रॉम कैश ट्वेंटी फाइव साइंस अ बैक अगेन एंड लास्ट टाइम जैसे एक बार uh, रिवाइज कर देता हमने क्या क्या किया था वी स्टडीड द बेसिक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी कि फैक्टर्स क्या है जीन्स क्या है एलिस् क्या है डोमिनेंट रेसेसिव क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है एंड फ्रॉम दैट आई ऑल्सो रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम एक ये होमवर्क दिया था कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको बनाना है विथ uh, जबकि लास्ट टाइम हमने किया था विथ अ राउंड राउंड सीड एंड येलो कलर्ड सीड विच इज द डोमिनेंट रेट एंड रेसेसिव रेट में रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का सीड मैंने आपको बोला था कि एक्जियल एक्जियल पोजिशन और पर्पल फ्लावर विथ एंड विच इज़ क्रॉस्ड विथ वाइट फ्लावर एट टर्मिनल पोजिशन सो आई आई होप कि आप सब लोग ने किया होगा एंड आई होप कि आपको आंसर भी यही आया रहेगा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो के लिए फिनोटिपिक के लिए आपको आया रहेगा नाइन इस टू थ्री टू थ्री टू वन और जीनोटिपिक रेशियो के लिए एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि सेंटर में एक बार फोर लिख दो फिर यहाँ से ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और यहाँ से ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन एंड यस सो दिस टाइम सबसे पहले तो इसके जस्ट बाद आता है द टेस्ट क्रॉस एंड द बैक क्रॉस अभी सबसे पहले तो देखते हैं बैक क्रॉस है क्या बैक्रॉस इज़ दी एफ वन इंडिविजुअल ऑबटेंड इन अ करॉस आर यूजली सेल्फ टू गेट दी एफ टू प्रोजनी सो बैक क्रॉस में क्या है कि दी एफ वन इंडिविजुअल ऑबटेन्ड इन अस आर यूजअली सेल्फ टू गेट दी एफ टू प्रोजनी मतलब हमें एफ़ वन जनरेशन में हमें जो टाइप्स ऑफ जीन्स मिलते हैं हम उन्हीं को क्रॉस करते हैं ताकि हमें एफ़ टू लाइक द नेक्स्ट जेनरेशन मिल सके लेकिन बैक क्रॉस में क्या है लाइक दे कैन ऑल्सो भी क्रॉसड विद वन ऑफ द टू पेरेंट्स फ्रॉम विच दे वर डिराइव्ड अभी क्योंकि नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम एफ वन टू नॉट टू दी डायरेक्टली एफ वन के साथ ही हम लोग सेल्फ नहीं कर रहे हैं हम लोग एफ वन और एक पेरेंटल जेनरेशन वाले एक जीन से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नाउ सपोज हमारा एक पेरेंटल जीन है ये अ टू ऑफ प्लांट अभी राइट आई एम कंसिडरिंग हाइट ऑफ अ स्टेम और मुझे एज़ द एफ वन जनरेशन मुझे मिला है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल अभी इसमें लेट्स हमें क्या मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ दोनों स्मॉल टी और यहाँ दोनों स्मॉल टी सो ये वाला जो टेस्ट हुआ जहाँ पे जहाँ पे दिस इज़ दी एफ वन जनरेशन एंड दिस इज़ दी पेरेंटल जेनरेशन इज नोन एज दी बैक क्रॉस उसके बाद आता है टेस्ट क्रॉस अभी टेस्ट क्रॉस में बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वी आर टेस्टिंग द डोमिन एफ वन जेनरेशन लेट्स रीड इट आउट एक्जैक्टली है क्या ये द क्रॉस ऑफ एफ वन हाईब्रिड विद होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अभी मैं एक देख रहा हूँ कि वेट अभी सपोज एक प्लांट जो है वो टॉल है अभी मुझे ये नहीं पता कि वो डोमिनेंट टॉल है कि हेटरोजाइगस डोमिनेंट टॉल है या तो होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है अभी मुझे कैसे पता कि आ, कि ये जो प्लांट है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है आंसर इज रियली सिंपल अभी अगर मेरा जो द प्लांट जो मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ नाउ लेट्स से कि वो होमोजाइगस है और अभी हमें इसे क्रॉस करना है एक होमोजाइगस रे, रेसेसिव जीन के साथ सो नाउ लेट्स सी पनेट स्क्वायर से हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं सो एज़ यू कैन सी सारे के सारे जो है वो हैट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल ही है तो अगर तो अगर मेरा जो प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल हुआ तो टेस्ट क्रॉस में पता चलेगा कि सारे के सारे जो एफ वन जनरे ये वाले एफ वन जनरेशन में जो हमें मिले वो सारे के सारे टॉल ही होंगे नाउ अगर मेरा जो प्लांट है अगर वो हेटरोजाइगस डोमिनेंट टॉल होगा लेट्स से कि दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल अभी मुझे इसको वापस क्रॉस करना है एक रेसेसिव जीन के साथ लेट्स so इस बार हमें क्या ऑप्शन आते हैं टी एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल टी सभी आप देख सकते हो कि ये वाले जो प्लांट्स हैं ये सारे के साथ ये डोमिनट है और दो टॉर्फ है तो अगर मेरा मेरा जो प्लांट है जिसको मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ वो अगर हेट्रोजाइगस डोमिनट टॉल हुआ तो टेस्ट क्रॉस में मुझे दो टॉल और दो डोर्फ मिलेंगे जबकि इससे जस्ट पहले अगर हमने देखा कि अगर होमोजाइगस को अगर टेस्ट किया जाएगा तो सारे के सारे टॉल होंगे और यहां पे हम लोग जीनो रेशियो हम लोग देख ही नहीं रहे जीनो टाइप को एटलीस्ट फॉर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के लिए तो भूल ही जाओ हम लोग सिर्फ फीनो टाइप पे ही हम लोग हम लोग का मेन फोकस होगा कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा सो नाओ मूविंग ऑन अभी हमने ये देखा था कि मैंडल के इसमें मेंडल uh, की जो थियरीज है उसमें सारी की सारी चीज़ें सच नहीं है कुछ कुछ फ्लॉ uh, uh, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है अभी नाउ लेट्स रीड इट आउट फ्यू जनरलाइजेशन वर अराइव्ड एट बाय मंडल एट बेसिस ऑफ हिस एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पी प्लांट सच एज सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि सिंगल ट्रेड सिंगल जीन विच कंसिस्ट ऑफ टू एलील्स सेकेंड वॉज की टू एलील्स शो इंटरेक्शन इन विच वन इज़ डोमिनेंट विच इन विच वन इज़ एक्चुअली कम्प्लीटली डोमिनेट नाउ कम्प्लीटली डोमिनेट इज द की वर्ड हेयर क्योंकि डोमिनंस को रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टगे अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनंस कोर डोमिनंस एंड ऑल ऑफ दैट ऑल्सो फर्स्ट पॉइंट में टू एलीज्स वाला जो है उसको भी एक बार याद रखो क्योंकि उससे भी रिलेटेड बहुत सारे एक्सेप्शन आने वाले नाउ थर्ड वोज फैक्टर्स और जीन्स फॉर डिफरेंट रेट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम असॉट इंडिपेंडेंटली न ये जो हमने जो थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ हमने पढ़ा था रिलेटेड टू मैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट उससे भी लाइक uh, like, उसके भी काफ़ी एक्सेप्शन है विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ डिवियेन्स लाइक एक्सेप्शन हम लोग बोल रहे हैं बट दे एक्चुअली द मोर करेक्ट टूअ डिविएशन The so, number of deviations were observed and identified in the post Mendelian era that gave additional information on the patterns of inheritance. These deviations are then described as neo Mendelism. I mean, neo Mendelism be basically two types: aate. one of them is intragenic and one is intergenic. So, in huh. intragenic, may kya hai? Uh, like the intragenic interactions occur between the alleles of same gene example incomplete dominance co-dominance it is also occur in multiple alleles, allele series of a gene ferrocata intergenic interactions or the non-allelic interactions occur, they occur between the alleles of different gene present on the same or different chromosome एग्जाम्पल प्लियोट्रोपी पॉलीजीन्स एपीस्टैटिस सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एक्सेट्रा सम ऑफ दीज आर अभी द बेसिक डिफरेंसेज की इन एंट्राजेनिक देकर सेम अलील सेम अलील एंड इन इंटरजेनिक the different alleles but same chromosome but the same chromosome now pardon my handwriting please so now comes the actual the the exceptions or the deviations i must say related to co-dominance so let's just shrink this hmm. so sub of the incomplete dominance it is the inheritance in which the offspring shows characteristic intermediate between two extreme parental characteristics. example, flower in snapdragon and the four o'clock plant. So, now, what now, suppose parental generation, mehamnalia, a completely dominant, like the homozygous dominant and homozygous recessive. suppose uh, the color of a flower. अभी रेड इज़ दी डोमिनेंट अली रेड इज़ दी डोमिनेंट रेट एंड वाइट इज़ द रेसेसिव ट्रेट लेकिन अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर का अगर एक जीन बनेगा तो उससे हमें रेड नहीं मिलेगा कंप्लीट डोमिनेंस हमें नहीं मिलेगा हमें कहीं तो बी हमें कहीं तो एक बीच वाला फैक्टर मिलेगा तो इसलिए रेड और वाइट मिला के पिंक बनता है इसीलिए एफ वन में हमें जो फ्लावर का जो कलर हमें जो मिलेगा वो पिंक कलर का होगा ऑल्सो उसके तो और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं अभी सपोज एक अभी हमें ये जो पिंक मिला है अभी पिंक को हम लोग वापस आ, हम लोग वापस डिवाइड करते हैं कि लाइक क्या उसके अलील्स थे तो इट वॉज हाफ कैपिटल आर एंड हाफ़ स्मॉल आर उनको अगर हम लोग वापस क्रॉस करेंगे तो हमें आ, तो हमें अकॉर्डिंग टू दट स्क्वायेर वाला थियर हमें एक कैपिटल हमें कैपिटल आर मतलब एक कम्प्लीटली रेड uh, मिलेगा दो मिलेंगे पिंक वाले क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले हमें दो लाइक कैपिटल एंड स्मॉल वाले हमें वैसे दो प्लांट्स मिलते हैं और एक है जो कंप्लीटली होमोजाइगस रेसेसिव है सो so, हमें एक रेड एक वाइट और दो पिंक मिले सेम एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें बताया जहाँ पर रेड और येल्लो लिया था मैंने सो एज़ यू कैन सी फिनोटिपिक रेशियो इज़ अगैन फिनोटिपिक रेशियो इसमें वन इज टू टू इज टू वन है और जीनोटिपिक रेशियो भी वन इज टू टू इज टू वन है पहले हमने क्या देखा था कि सिर्फ जीनोटिपिक रेशियो वन इज टू टू इज टू वन है जबकि फिनोटिपिक रेशियो थ्री इज टू वन है यहाँ पे यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो भी वन इज टू टू इज टू वन इसीलिए हुआ क्योंकि जहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है वो एक्चुअली हेट्रोजाइगस डोमिनेंट नहीं है वो एक अप वो जो बाकी के जो दो थे जहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर था वो अपना एक ख़ुद का एक क्राइटेरिया लेकर आया सपोज अभी complete, जो होमोजागस डोमिनेंट होंगे दैट विल भी रेड जहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंस होगा दैट विल भी पिंक सो इसीलिए उसको हम लोग डोमिनेंट वाले में नहीं गिन सकते इसलिए वन इज टू टू इज टू वन ना दिस मीन्स दैट आर वॉज नॉट कम्प्लीटली लाइक कैपिटल आर वॉज कम्प्लीट नॉट कम्पलीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर पी प्लांट्स ऑल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेट्स सो ना एक बार हम टेक्स्ट बुक से भी रिवाइज कर लेंगे इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ दलील्स और जीन्स ऑफ एन एलीलोमोरफिक पेयर एक्सप्रेस दमसेल्स पार्शियली सो हमने जस्ट देखा कि रेड uh, वाला ट्रेड जो है वो वाइट वाले को पूरी तरह डोमिनेट नहीं करता है थोड़ा तो सा पार्ट वाइट का भी एक्सप्रेस होता है थोड़ा लाइक मेजर पार्ट रेड का ही एक्सप्रेस होता है लेकिन वाइट का भी एट सर्टेन एक्सटेंट होता ही है इसलिए तो पिंक बन रहा है वो वन एलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर लीड कंप्लीटली जस्ट अभी वही डिस्कस किया इन सच केस देर इज एन इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इन एफ वन हाइब्रिड अ वेल नोन एग्जाम्पल इज मीरा बिल जलापा लाइक बेसिकली दिस वॉज द फोर ओ क्लॉक प्लांट जिसकी मैं बात कर रहा था इफ अ रेड फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर्ड प्लांट देन दी एफ दफ वन जनरेप्रिंग्स विल हैव पिंक फ्लावर्स

Uh, हमारे एच के टेक्स्ट बुक में इतना कुछ दिया नहीं है मे बी एन में दिया होगा तो यस लेट्स जस्ट गो विद को डोमिनेंस इज द इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलील्स ऑफ जीन आर एक्सप्रेस्ड इन अ हाइब्रिड एग्जांपल ए बी ओ ब्लड ग्रुप अभी सपोज uh, जो आई जो आर एच फैक्टर वाला जो होता है नहीं नॉट एच द आर एच फैक्टर नॉट एक्जैक्टली दी होल ए बी और ब्लड ग्रुपिंग लेकिन एक एक स्पेसिफिक चीज़ जो है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा इन ए बी और ब्लड ग्रुपिंग दैट इज़ दी ब्लड ग्रुप ए बी जो है दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ कोडोमिनस क्योंकि यूजली हम लोग देखते हैं कि या तो किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए होता है ड्यू टू एंटीजन एंड एंटीबॉडी बी या तो बी ब्लड ग्रुप होता है विथ एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए या तो अगर या तो एट एट टाइम्स ओ भी होता है लेकिन ए बी तभी होता है जब जब ए और बी दोनों वाले जो जी दोनों जो ट्रेड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कोडोमिनेट होंगे सो ना हो ए बी और ब्लड ग्रुपिंग आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर्स एंड वेट इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर्स और एंटीजें दैट प्रोड्यूस दैट प्रोट्रूड Uh, from plasma membrane of RBC. Gene I has basically three alleles IA, IB, and I. Now, a small I that actually represents the O blood group. Uh, if you want, you can take a screenshot of it. When IA and IB are present together, they both express themselves. दे बोध एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर दिस इज ड्यू टू को डोमिनेंस ऑल्सो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया है ऑफ अ का अभी सपोज कोई रेड या मरून या जो भी आप कहना चाहो अभी सपोज एक रेड uh, कलर की एक गाय है और एक वाइट कलर की है जबकि आर लाइक जबकि रेड इज़ द एक्चुअली द डोमिनट कलर एंड वाइट इज द रेसेसिव वन अभी उसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे लाइक ये रेड और वाइट वाले दोनों गायों को हम लोग एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो फिर हमें एफ वन जेनरेशन में हमें ऑफ स्प्रिंग्स ऐसे मिलेंगे जो जो रेड और वाइट दोनों कलर के हैं या मे बी इवन कम्प्लीटली वाइट बट अ फ्यू पैचेस ऑफ रेड और कम्प्लीटली रेड बट अ फ्यू पैचेस ऑफ वाइट सो ना ना वी वुड कम टू मल्टीपल एलिज्म मल्टीपल अलीलिज्म एक ऐसा फिन है जहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स से ज़्यादा हम लोग फॉर्म्स देखते हैं एक मोर देन टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन इन स्पेसिफिक स्पीशीज मल्टीपल अलीलिज्म इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम सम्स आर कंट्रोल्ड बाई टू और मोर जीन्स एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन एंड सो वी एट मल्टीपल अलीलिज्म और मल्टीपल अलील्स तो क्या होता है हमने यूजुअली देखा है कि एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव मल्टीपल अलील्स में सिर्फ दो नहीं होते दो से ज़्यादा होते कभी तीन होते कभी चार होते हैं मे बी उससे भी ज़्यादा होते हैं सो मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स और अलील्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोजोम और इट्स होमोलोग आर नोन एज मल्टीपल अलील्स इस अभी इस पर जो सेम लोकस जो फ्रेज यूज़ किया है दैट्स एक्चुअली द लाइक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स अभी सपोज हाइट ऑफ स्टेम है हमने उसमें देखा था कि डोमिनेंट वन इज टॉल एंड द रेसिस वन इज वर्फ लेकिन मल्टीपल एलीलिज्म में ऐसा नहीं होता है मल्टीपल एल्ज में uh, और बहुत सारे इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं ना लेट्स रीड रीड फॉर द जीन कैन म्यूटेट सेवरल टाइम्स प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन अभी एक जीन को म्यूटेट करके हम लोग बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स बना सकते हैं सपोज एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दी ह्यूमन स्किन कलर अभी हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन्स में सपोज वी इंडियंस वी आर ब्राउन देर आर अफ्रीका में तुम लोग आप लोग जाओ तो देर आर दे आर मोस्टली डार्क स्किंड यूरोप में आप लोग जाओ तो दे आर मोस्टली फेयर स्किंड एंड In the northeast, uh, like the north of Asia, you will see uh, like yellow skinned uh, humans. So, this is also an example of multiple alleles. Now, but one of the most classic example of uh, the multiple alleles is Drosophila. In Drosophila, a large number of multiple alleles are known. Example the size of wings from normal to vestigial. Normal wings are like वेरी लाइक like, तुम्हें बहुत क्लियरली दिखते हैं ड्रॉसोफिला में जबकि उसका एक अदर ऑल्टरनेटिव फॉर्म है लाइक नो वेस्टिजियल विंग्स लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो है इनके इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है सपोज निक्ट विंग्स हैं नॉचड है स्ट्रैप विंग्स है और वेस्टिजियल विंग्स है जस्ट टम्स इज ड्यू टू वन अलील विच इज दी स्मॉल जी इन होमोजाकंडीशन दी नॉर्मल विंग इज वाइल्ड टाइप वाइल्ड टाइप मतलब दी बेसिकली दी डोमिनट टाइप वेस्टिजियल विंग इज टाइप यहाँ एक टेबल दिया है यहाँ पे सबसे डोमिनेंट है नॉर्मल विंग्स एंड यू कैन सी सबसे में आते हैं दी वेस्टीजियल विंग्स और बीच में ये इतने सारे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है सो लेट्स काउंट वन टू थ्री फोर फाइव तो बेसिकली पांच ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं लाइक देर आर नॉट ओनली डोमिनेंट एंड लाइक कम्प्लीटली डोमिनेंट एंड कम्प्लीटली रेसेसिव बीच में और तीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं नाउ वी कम टू प्लायोट्रॉपी अभी इसमें क्या होता है जब एक सिंगल जीन दो या दो से ज़्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा होता है दिस इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन और ये जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग प्लीओट्रॉपी या प्लीओट्रॉपिजम बोलते हैं सी वेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट रेट्स इट्स कॉल्ड अ प्लीओट्रॉपिक जीन एंड द फिनन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक और प्लियोट्रोपिज्म द फिनोटोपिक रेशियो इज वन इज टू टू इंस्टेड ऑफ थ्री इज टू वन बिकॉज द डेथ ऑफ वन रेसेसिव होमोजाइगस होमोजाइकोट इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दिकल सेल्ड एनीमिया उसमें क्या है कि एच बी एस जो है दैट्स अ रेसेसिव जीन अभी इस इसके कारण ही लोगों को सिकल सेल अनिमिया होता है एंड सिकल सेल अनिमिया इज एक्चुअली अ जेनेटिक डिसऑर्डर सो इट पासिस थ्रू द जेनरेशन दिस द डिजीज सिकल सेल अनमिया इज कॉज्ड बाय अ जीन एच बी एस नॉर्मल और हेल्दी जीन एच बी ए इज़ द डोमिनेंट वन द कैरियर्स और देट्रोजाइट्स एच ए विच कैरी द एच बी एंड द एच बी एस शो साइंस ऑफ माइल्ड अनीमिया एज दर आर बी सीज बिकम्स सिकल सेल आए हाफ मून शेप्ड अंडर अब ओनली अंडर अब लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अभी इसमें अगर हम लोग पनट स्क्वायर बनाने जाए सपोज वेट फर्स्ट ऑफ ऑल श्रिंक दिस मुझे अगर पनट स्क्वायर बनाना है ऑफ अ ऑफिल टू सिकल सेल्ड कैरियर्स तो एच बी एस एच बी ए यहाँ भी हम लोग सेम करेंगे एच बी एस एंड एच बी ए तो अभी यहाँ तो एच बी एस और एच बी एस ही होंगे यहाँ पे कैरियर मिलेगा एच बी एंड एच बी एस यहाँ पर हमें एक और कैरियर मिलेगा एच बी एस एंड एच बी ए और यहाँ एट द लास्ट वन हमें एक एक्चुअल अनिमिया का पेशेंट मिलेगा एच बी एट एच बी एच बी ए तो अभी हमने देखा कि ये वाला जो है दिस इज़ एक्चुअली अ पेशेंट ये जो दो है दे दीज आर जस्ट कैरियर्स ये एक जो है दैट्स कम्प्लीटली हेल्दी अभी क्योंकि ये वाला जो है इसको वेट दिस टू मेसी तो हमने देखा कि कि एक वन ऑफ देम इज एक्चुअली सिकल सेल्ड अनिमिया का पेशेंट पेशेंट दो उसमें से कैरियर्स है क्योंकि एच बी ए जो है वो एक्चुअली डोमिनेंट है और एच बी एस रेसेसिव है और उसमें से दो हमें मिले थे हेट्रोसाइगस और एक हमें मिला कम्प्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट सो विच इज़ न्यूट्रल तो अभी इसमें हम लोग रेशियो देखते हैं कि कितने लोग कितने लोगों के पास लाइक सिकल सेल अनिमिया का जीन है तो इसमें से तीन लोगों के पास है और एक के पास नहीं है तो रेशियो इज़ एक्चुअली थ्री टू वन लेकिन अभी इसमें हमने एक देखा कि एक उसमें से दो कैरियर्स है और एक को एक्चुअली अनिमिया है तो उसमें से ये जो पेशेंट जो है दिस पेशेंट एक्चुअली डाइज और इसलिए हमारा जो रेशियो होता है वो थ्री इज़ टू वन नहीं होता है दैट बिकम्स टू इज टू वन यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा दी the... हाँ जस्ट दी नेक्स्ट लाइन है दी फिनोटिपिक रेशियो इज़ वन इज टू टू इंस्टेड ऑफ थ्री इज टू वन बिकॉज ऑफ़ डेथ ऑफ़ अ रेसेसिव होमोजाइगोट इसमें रेसेसिव होमोजाइगोट इसलिए लिखा है क्योंकि एच बी एस जो है वो एक्चुअली एक रेसेसिव जीन है और अभी दो रेसेसिव जीन्स बना के वो एक रेसेसिव होमोजाइगोट बनाते हैं नाउ ये जो रेसेसिव होमोजाइगोट जिस ऑस्प्रिंग uh, के अंदर जाता है दैट इज एक्चुअली द पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया और उसके कारण हीडाइज ना ऑल्सो अभी सिकल सेल अनिमिया में क्या होता है कि लाइक वैसे पोर्शन में नहीं है बट बताना फ़र्ज़ है मेरा ये है एक लाइक क्योंकि हमारा जो आर होता है वो यूजुअली बाय कॉन्के वो होता है सो दिस इज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ नॉर्मल आर जबकि एक सिकल सेल अनिमिया वाले पेशेंट को अगर देखोगे उसका जो उसका जो आर का शेप होता है थोड़ा ऐसा क्रेसेंट मून या हाफ मून जैसा होता है अभी क्योंकि अभी इसमें सरफेस एरिया भी इतना डिक्रीज हो गया तो इसीलिए लाइक जितना ओ टू एक नॉर्मल आर बी सी कैरी कर पाता है एक सिकल सेल्ड अनीमिया का पेशेंट उतना लाइक सिकल सेल्ड अनीमिया का जो आर बी सी है वो उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता उसके कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बहुत लो हो जाता है उसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स तुम्हारे डैमेज हो जाते हैं सो मूविंग ऑन The होमोजाइगोड्स विथ रेसेव जीन एच बी एस हाउ एवर डाई ऑफ टोटल अनिमिया अभी क्योंकि सिकल सेल्ड अनिमिया है तो इसलिए तुम्हारे ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेशन अफेक्ट होते हैं तुम्हें और भी बहुत इंटरनल लाइक, और भी बहुत कुछ होता है तुम्हें इसलिए टोटल अनिमिया इज़ वन ऑफ दोज सिम्टम्स दस द जीन फॉर सिकल सेल्ड अनीमिया इज़ लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन अभी जस्ट हमने पढ़ा कि होमोजाइगस रेसेसिव अगर हमें मिल जाए that actually suffers through sickle cell anemia thus the gene for sickle cell anemia is lethal in homozygous condition and produces sickle cell trait in heterozygous carrier two different expressions are produced in by a single gene a marriage between two carriers will produce normal carriers and sickle cell anemia children इन वन इज टू टू इज टू वन रेशियो अभी जस्ट हमने पका था वन इज टू टू इज टू वन रेशियो होगा लेकिन एक जो जिसके पास होमोजाइगस रेसेसिव वाला जो जीन है उसको एक्चुअली वो सिर्फ कैरियर नहीं होगा उसको एक्चुअली अनिमिया होगा विच माइट बी लीथल सिकल सेल्ड अनिमिक्स सिकल सेल्ड अनिमिक्स डाई लिविंग कैरियर्स एंड नॉर्मल इन वन इज टू टू अभी क्योंकि एक तो उसमें से मर गया था दैट्स वाई वन इज टू टू इज टू वन नहीं रहता वन इज टू टू ही रहता है जिसमें से एक क्वेश्चन इस जिसमें से एक क्या होता है एक उसमें से एक या सो सॉरी फॉर द फम्बल ऑफ गाइज तो अभी इसमें से क्या एक एक ऑफस्प्रिंग उसमें से ऐसा होता है जिसको जिसके अंदर वो कैर इवन एज कैरियर होता ही नहीं है अनिमिया का जीन जबकि बाकी जो दो है वो कैरियर्स है लेकिन वो उनको अफेक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें से एक एच बी ए है विच इज़ द डोमिनेंट वन एंड एक एच बी एस विच इज़ द रेसेसिव वन और हमने पढ़ा है कि अभी क्योंकि एच बी एस रेसेसिव वन है इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो सप्रेस हो जाएगा नाउ कमिंग टू द क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बट बिफोर दैट बिफोर क्रोमोजोमल थियोरी एक्चुअली प्रपोज हुआ था वो टाइम पे ग्रेगोर मेंडल को किसी ने ज़रा भी सीरियसली लिया नहीं था और उनका जो काम जो था बहुत अनरेकग्नाइज गया था लेट्स स्टडी अबाउट अ फ्यू रीजंस रीजन्स वाइड एंड मैंडल्स वर्क रिमेन अनरेकग्नाइज कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज उनका जो काम था उन्होंने जितना भी रिसर्च और स्टडी किया था वो बहुत अच्छे वो बहुत बराबर से पब्लिसाइज हुआ नहीं था दानसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट वॉज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल एंड मंडल कोड नॉट एक्सप्लेन दी कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन इज नेचर अभी हमने देखा कि न्यूमेंडलिज्म में कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं कि लाइक मेंडल्स के जो मेंडल के जो लॉस थे उनको बहुत सारे डिविएशन्स थे तो वो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे मेंडल्स मैथेमेटिकल अप्रोच वोज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल अभी हमारे लाइक एच एस सी टेक्सट बुक में इंक्लूड नहीं किया है बट एक वैसा सेगमेंट है मे बी एन में होगा जहाँ पे ऐसा बताया है कि विद दी हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसा बताया है कि एक कम्प्लीटली uh, डोमिनेंट और एक कम्प्लीटली रेसेसिव वाले जीन्स uh, वाले पेरेंट्स में uh, कौन से टाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होंगे इंस्टेड ऑफ पनट स्क्वायर उन्होंने लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन उन्होंने उससे डिराइव किया था Mendel could not provide any physical proof for the existence of factors. He had only theory thi on the basis of his experiment. He actual physical proof. Tha nahi. And then in 1900s, De Vries, uh, Correns and, and Von Shermack Sch independently rediscovered Mendel's results. And then they were the ones who found out that uh, Sir Gregor Mendel ne jo bhi research kiya tha, that that actually held true. Gregor Mendel published his work on inheritance of traits in 1866 but for some reasons it remained unnoticed or unrecognized till 1900. As communication was not easy in, in those days, his work was not widely recognized. His approach using mathematical statistics trying to explain biological phenomenon was totally new and unacceptable to the then biologists. वो वो टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो तो लाइक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे लाइक बायोलॉजी जैसी फील्ड में एक मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे ला सकते हैं as continuous variations were observed in nature mendel's concept of factors as stable and discrete unit which were which controlled the expression of characters and that a pair of alleles did not blend with each other was not accepted was not accepted by his contemporaries अभी क्योंकि मैंडल ने एक अपनी एक थियोरी लाई थी और वो थियोरी को और भी डिविएशंस थे एंड हम तो ये आज पढ़ रहे हैं ये वो टाइम पे ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है सो so, एक भी प्रू, एक भी प्रूफ उसके खिलाफ हो दैट मीन्स द वर्क टेंट टू बी कंसिडर्ड ही ऑल्सो डिड नॉट न्यू द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फैक्टर्स इन सेल्स नाउ इन नाइनटीन हंड्रेड थ्री साइंटिस्ट ही व्रेस Correns and von Schermack independently rediscovered his work on inheritance of traits. Due to advancements in micros microscopy, scientists were able to observe cell division and the structure of chromosomes under the microscope. Now, Walter uh, Sutton, along with Theodore Boveri, studied the parallel behavior of Mendel's factors. और जीन्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स एट द टाइम ऑफ न्योसिस अभी इन सब के बेसिस पे स्टूटॉन और बोवेरी ने क्योंकि उन्होंने वापस रिसर्च किया था देवर द वंस वो पुट फोर्थ द एक्चुअल थियोरी ऑफ क्रोमोजो लाइक क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इन्हेरिटेंस ना द थियोरी आइडेंटिफाइज क्रोमोजोम एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटीरियल लाइक क्रोमोजोम एज दी एक्चुअल कैरियर्स लाइक उनके पास ही एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल होता है जिसके कारण इनहेरिटेंस एक्चुअली होता है सो so, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो इनहेरिट हो जाते हैं दिस वॉज ड्यू टू द क्रोमोजोम्स अभी लेट्स रीड आउट वॉट दिस थियरी एग्जैक्टली स्टेट्स द थियरी स्टेट्स दैट द क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर इन सोमैटिक सेल्स सोमैटिक मतलब हमारे बॉडी के सेल्स ड्यूरिंग द गेमिट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर सेग्रीगेट एंड असोर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस दस ईच गेमीट कंटेन्ज ओनली वन क्रोमोजोम फ्रॉम अ पेयर तो अभी ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन एज वी नो हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉयड है नेचर में और हमारे जो गेमीट्स जो होते हैं वो एक्चुअली हैप्लॉयड है अभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट एक पेर में से वेट सपोज दिस इज अ पेयर ऑफ जीन्स अभी इसमें से गे गेमीट्स के लिए गेमीट्स के पास एक ही जाएगा इसीलिए वो हैप्लॉयड बनेगा और सपोज दिस इज़ द मेल वन दिस इज़ द फीमेल वन यहाँ से एक आएगा तो अभी ये दोनों जब फ्यूज होंगे तभी तो इनका जो जायगोर्ट होगा वो डिप्लॉयड इन नेचर बनेगा लाइक द जयगोर्ड जो सेल होगा दैट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर ऑल्सो नाउ नाउ आई डोंट थिंक मुझे एक्चुअली क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ाना चाहिए बट लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिविजन क्रोमोजोम chromosomes आर फिलेमेंटस बॉडीज प्रेजेंट इन यू कैरियोटिक न्यूक्लियस सारे न्यू यू कैरियोटिक न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होते ही हैं एंड क्रोमोजोम्स आर द एक्चुअल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी ना द टर्म क्रोमोजोम्स वॉज क्वाइंड बाय डब्ल्यू वाइल्ड और वाइल्ड एयर एवर द प्रनौंएशन इज द साइज़ ऑफ क्रोमोजोम वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज ईच मेटाफेज क्रोमोजोम वेरीज ज़ीरो पॉइंट वन टू थर्टी थ्री पीकोमीटर In length and 0.2 to 2 picometer in thickness. Third, the chromosomes are visible during uh, cell division. They are capable of self-replication and play vital role in heredity, mutation, variation, and evolutionary development in eukaryotic species. Now, chemically, eukaryotic chromosomes are made of DNA, histone, and non-histone proteins. Now, about histone and non-histone proteins, you will actually study further in the next chapter, molecular basis of inheritance. And the function. The chromosomes are the carriers of heredity, as we just parada Number of chromosomes. Number of chromosomes is specific and constant for a particular species. Therefore, it is of great it is of great importance in study and the uh, phylogeny and taxonomy of the species. The term ploidy. Now, before I read further, I have just explained that suppose. That ये एक मेल सोमैटिक सेल है ये फीमेल सोमैटिक सेल है अभी ये गेमिट फॉर्मेशन में यहाँ सिर्फ एक जा रहा है नाउ दिस इज डिप्लॉयड दिस इज हैप्लॉयड इवन दिस इज डिप्लॉयड वाइल ये जो गेमिट है दिस इज हैप्लॉयड अभी डिप्लॉयड हैप्लॉयड एग्जैक्टली है क्या द सफिक्स जो हैप्लॉइड उसका हम डेफिनेशन एक्चुअली हैं द टर्म प्लॉइडी स्पीक्स फॉर द डिग्री ऑफ रेपिटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अभी एक सोमैटिक सेल में हमारा जो जीन या क्रोमोजोम्स जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं दो बार जबकि हमारे जो गेमिंग जो है उसमें सिर्फ एक बार हो रहे हैं वेन द क्रोमोजोम्स वेन द क्रोमोजोम नंबर इन अ सेल इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ अ प्राइमरी बेसिक नंबर देन इट इज़ कॉल्ड यूप्लॉयडी यूप्लॉइडी में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं या तो इट इंक्लूड्स मोनोप्लॉयडी और हैप्लॉयडी मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स वेयर एन एन इज बेसिकली द्लॉयडी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्चुअली रिपीट हो रहा है ना हमारे जो गेमेंज जो है वो एक्चुअली हैप्लॉयड और मोनोप्लॉयड बोल सकते हैं उनको नाउ डिप्लॉइड्स हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं वो एक्चुअली डिप्लॉयड है टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स जबकि कुछ और स्पीशीज में ट्रिप्लॉयड्स और टेट्राप्लॉइड्स भी होते होंगे एंड सो ऑन व्हेन द क्रोमोजोम व्हेन द क्रोमोजोम नंबर इज़ नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ अप्लॉयड सेट इट इज नोन एज एन नाउ ना एनयूप्लॉयडी में एग्जैक्टली exactly क्या होता है वहाँ पे एग्जैक्टली टू एन या थ्री एन वैसा नहीं होता सपोज मैं लू टू एन टू एन मतलब डिप्लॉइड अभी टू एन में या तो प्लस वन या तो टू एन माइनस वन दिस टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनएम्प्लॉयडी लेट स्टडी फर्दर अनएलॉयडी इज इधर दिशन और डिलीशन ऑफ वन क्रोमोजोम टू दोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन सेल अभी यहाँ पे एक चार्ट दिया है यहाँ पेड अभी यूप्लॉयडी और अनएम्प्लॉयडी को बहुत अच्छे से लाइक डिस्प्ले किया है यूप्लॉयडी मतलब एक एग्जैक्ट नंबर लाइक एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि एनोप्लॉयडी anu, में भी एक्चुअली दो टाइप्स है हाइपोप्लोईडी एंड हाइपरप्लॉयडी नाउ हाइपो मीन्स लेस एंड हाइपर मीन्स मोर वेट तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाइपोप्लोइडी में टू एन माइनस वन या टू एन माइनस टू जैसे एग्जाम्पल है अभी क्योंकि टू एन में से एक कम हो रहा है एक लेस हो रहा है इसीलिए हाइपोप्लोइडी और जबकि हाइपर प्लोइडी में से प्लस वन और प्लस टू हो रहा है इसलिए हमने उसका नाम दिया हाइपर प्लोइडी सो अभी हाइपर प्लोइडी में भी दो एग्जांपल्स हैं एक मोनोसोमी मतलब लाइक एक कम हो रहा है या तो नलिसोमी या तो दो कम हो रहा है ना सेम विथ हाइपर हाइपर प्लॉडी में हाइपर प्लॉयडी में ट्राइसोमी और टेट्रासोमी आदि टू एग्ज़ाम्पल्स नाउ और ट्राइसोमी में एक एक क्रोमोजोम तुम्हारा एक्स्ट्रा हो जाता है जबकि हाइपर में तुम्हारे दो क्रोमोजोम्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं

सारे जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो अभी सपोज ये मेरा सेल है तो यहाँ का जो इक्विटोरियल रीजन है सारे के सारे क्रोमोजोम्स यहीं पे तुम्हें बहुत अच्छे से दिखते हैं क्योंकि सारे के सारे कंडेंस भी हो चुके होते हैं इस टाइम पे बिकॉज जस्ट आफ्टर दिस ये सारे जो क्रोमैटिक्स जो है वो स्प्लिट होने वाले हैं क्रोमोजोम्स आर बेस्ट विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप वैन सेल इज़ एट मेटाफेज स्टेज इट इज़ बिकॉज एट दिस स्टेज क्रोमोजोम आर हाईली कंडेंस्ड टिपिकल क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटेड्स लाइक क्रोमैटेड्स का लाइक एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है जॉइंट टुगेदर एट सेंट्रोमियर और अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क शेप प्लेट कॉल काइनेटोकोर नाउ काइनेटो कोर इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काइनेटो कोर ही वो डिस्क शेप लाइक ये जो स्ट्रक्चर है इससे ही सारे स्पेंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ये शायद आगे भी लिखा होगा इट इज लाइट द कानेटो कोर

लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है मे बी एक या दो लाइक एक या एक एक्स्ट्रा एक 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 कंस्ट्रक्शन भी हो एट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वन न्यूक्लियोजोम बिकम्स ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग इंटरफेस अ सैटेलाइट बॉडी और द एस ए टी बॉडी इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टू एंड इन वेरी फ्यू क्रोमोजोम्स लाइक ये बहुत में नहीं होता है इट्स लाइक अ वेरी रेयर केस ईच क्रोमैटेड टर्न कंटेन्स अ लॉन्ग अनब्रांच्ड स्लेंडर एंड हाईली कॉल्ड डी एन ए कॉल्ड CHROMONEMA Wait, let's just mark this EACH CHROMATID IN TURN CHROMONEMA this is actually really important EXTENDING THROUGH THE LENGTH OF A CHROMATID CHROMATID CONSISTS OF A DOUBLE stranded DNA MOLECULE WHICH EXTENDS FROM ONE END OF CHROMOSOME TO THE OTHER like here you can see the actual

दिस इज एकोसेंट्रिक ये जो इंटरमीडिएट है विच लाइक वो एक्चुअली इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द मेटासेंट्रिक इट इज दी सब मेटासेंट्रिक और ये जो है जहाँ पे सिर्फ लोअर हैंड है और अपर हैंड है नहीं दिस इज कॉल्ड द टीलोसेंट्रिक सो ना हो मेटासेंट्रिक में द सेंट्रोमियर लाइज एग्जैक्टली एट देंटर ऑफ द ऑफ द अपर एंड द लोअर हैंड जबकि सब मेटासेंट्रिक में इट लुक्स लाइक इट्स एग्जैक्टली इन द मिडल बट इट्स नॉट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा बिटवीन दी अपर आर्म एंड दी लोअर आर्म जबकि एक्रोसेंट्रिक में बहुत प्रोमिनंटली ऐसा दिख रहा होगा कि अ, कि अपर आर्म छोटा है और लोअर आर्म काफ़ी बड़ा है जबकि टीलोसेंट्रिक में दी अपर आर्म इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट सिर्फ लोअर आर्म ही दिखता है उसमें देन वी कम टू सेक्स क्रोमोजोम ना बिफोर सेक्स क्रोमोजोम आई वुड लाइक टू रिवाइज कि ह्यूमन में एक सेल में देर आर ट्वेंटी थ्री पेयर्स लाइक फोर्टी सिक्स पेयर्स फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स और ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स उसमें से ट्वेंटी टू जो है ट्वेंटी हाँ तो उसमें से ट्वेंटी टू पेयर्स जो है नोन एज ऑटोजोम्स और उसमें से ये एक पेयर जो है दैट इज नोन एज द एलोजोम अभी ऑटोजोम्स आर बेसिकली हमारे सारे बॉडी के सेल्स ये एक पैर जो है जिसको हमने नाम दिया है एलोजोम्स एंड ये ऑटोजोम ये एलोजोम इज द वन पेयर ऑफ जीन्स और द वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जो ऑफस्प्रिंग के जो ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन करता है अभी अगर ये एक जो है वो अगर एक्स एक्स हुआ तो फीमेल तो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी और अगर एक्स वाई हुआ तो एक मेल ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा द द आर फॉर द्रोमोजोमेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोजोम और एज हमने अभी पढ़ा ह्यूमन बींगस एंड अदर मैमल्स हैव एक्स एंड वाई क्रोमोजोम एज द सेक्स क्रोमोजोम नाव एक्स क्रोमोजोम इज स्ट्रेट रॉड लाइक एंड लॉन्गर देन वाई क्रोमोजोम सो अगर कंपेयर करने जाए now this is the x chromosome and maybe this is the wait this is the y chromosome and this is the x chromosome now it is it is uh, comparatively longer than the y chromosome while y x chromosome is metacentric while the y chromosome is acrocentric so the x chromosome like, x chromosome metacentric and y chromosome which is acrocentric then x chromosome has have a large amount of euchromatin uh, or the extended region and small amount of heterochromatin which is the condensed region now euchromatin has large amount of dna material and hence genetically active now y chromosome has small amount of euchromatin and large amount of heterochromatin but the extended region is y in y is less like in the

लेस एक्टिव रीज़न इसलिए है कि यहाँ पे एक्सटेंडेड रीजन ज़्यादा है और कंडेंस रीजन कम है जबकि यहाँ पे एक्सटेंडेड रीजन जो है वो कम है लेकिन कंडेंसड रीजन जो है वो ज़्यादा है नाउ बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स शो होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन्स होमोलोगस रीजन्स शो सिमिलर जीन्स एंड वाइल्ड नॉन होमोलोगस While non homologous regions show dissimilar genes. Now, crossing over occurs only between the homologous regions of X and Y chromosome. And non homologous regions of X chromosome is longer and contains more genes than that of non homologous uh, regions of Y. So, matlab, homologous regions are similar pairs. Hai, wahanpe... wait... Yeah, So, we were at uh, crossing over. And crossing over occurs only between homologous regions of X and Y, as i just Avipa, and non-homologous region of X chromosome is longer and contains more genes than that of non-homologous region of Y chromosome. Now X-linked genes are present, actually ye spelling mistake. On non like, X-linked genes are present on non-homologous region of X, while Y-linked genes are present. आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगोस रिजन ऑन वाई क्रोमोजोम्स इसके बाद आता है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर बट दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो वी आर डन फॉर टुडे सो दैट्स इट गाइज होप यू एन्जॉय दिस वीडियो सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज अंटिल मी मीट नेक्स्ट टाइम इट्स मी जज अवे फ्रॉम कैश 25 फाइव साइंस अकेडमी सैनिंग ऑफ